ये है जी पहाड़ों का धूप बारिश वाला मौसम। और अभी ऐसी बारिश में माँ भी घास लेकर आ गई है। और अगर बारिश ऐसे ही रहेगी तो मुझे लगता है आज वो लकड़ी वाला पुल भी बह जाएगा। अभी ये छोटे छोटे बच्चे नीचे नदी किनारे ही जा रहे हैं, वो वहीं पर रहते हैं। और आजकल ना जब ओले गिरते हैं तो इतने भयंकर ओले गिरते हैं, ऐसा लगता है कि चारों तरफ बर्फबारी हो रखी है। कितने के? 5,000 का दो। ये बाबा 5,000 का दो। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 6 तारीख को मेरी सगाई है। और खासकर छोटे बच्चों को हमारे पहाड़ों में इससे बहुत डराते हैं। वो तेरी आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो। यहाँ भी सुअरी का खतरा है, ऊंची लगानी दीवार। डबट जाए यार। चल एक टोकरी देखो, पानी पूरी तो अभी बन गई है, अब इसके बाद बन रही है पकौड़ी। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं, बाहर देखो आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लगता है आज बारिश लगेगी। मेरे हाथ पे है अभी ग्रीन टी का कप, और देखते ही देखते देखो बारिश तेज होने लग गई है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, आजकल अब तक यहाँ पर धूप आ जाती थी लेकिन आज उल्टा और अंधेरा होता जा रहा है, इसका मतलब खूब सारी बारिश आने वाली है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी देखते देखते देखो बारिश बहुत तेज लगनी शुरू हो गई है, और आज से ना फिर से ठंड बढ़ गई। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं जब भी बारिश लगने के बाद ऐसे बुलबुले उठते हैं, तो इसका मतलब बारिश और तेज लगेगी। बारिश खूब तेज हो गई है अभी, और इससे जो नीचे नदी है उसमें भी पानी बढ़ गया है, और उसमें जो लकड़ी का पुल बनाया हुआ था तो उस पर भी पानी हल्का टच होने लग गया है। और अगर बारिश ऐसे ही रहेगी तो मुझे लगता है आज वो लकड़ी वाला पुल भी बह जाएगा। बाहर तो एकदम तेज तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पे चूल्हे में गर्मा गर्म चाय रख दी है, साथ में पीछे एक नस्तर भी रखा है। आजकल हमने गर्म पानी रखना बंद कर दिया था, और आज इतनी ठंड है फिर से गर्म पानी रख दिया। आपको भी लग रही है ठंड? बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी अभी नाश्ता करते हैं, आज बने हुए छोले, साथ में है दही, गर्मा गर्म चाय, और आज चूल्हे पे बैठ के मजेदार ना। दिन के 11:15 हो गए हैं, अभी मौसम भी साफ हो गया है। ऊपर मंदसौर साइड देखो खूब सारी बर्फबारी हो रखी है, और वहाँ से जो नदी निकलती है यहाँ नीचे पे देखो पुल में पूरा ऊपर तक पानी आ गया। मुझे लगता है अब आज शाम तक वो भी बह जाएगा, बाकी नीचे साइड से धीरे धीरे मौसम खुल रहा है। और हवा के साथ देखो यहाँ खौदे पे खूब सारी फूल की पंखुड़ियाँ उड़कर आ रखी हैं। देखिए जी समय कब बीतता है कुछ भी पता नहीं लगता है। कुछ दिन पहले तक ही हम इन पेड़ों से माल्टे खा रहे थे, अब धीरे धीरे उन पे नए नए फूल लगने लग गए हैं, और कुछ दिनों के बाद उन पे छोटे छोटे माल्टे भी लग जाएंगे। अब जैसे ही अभी बारिश बंद हुई हमने देखो अपने गाय बैलों को भी यहाँ खेतों में लगा दिया है चरने के लिए। और यहाँ पर पापा जी यहाँ से कुछ पत्थर यहाँ नीचे डाल रहे हैं, यहाँ नीचे हमारे कुछ खेत हैं। दीवार टूट रखी है, नीचे दीवार लगानी, सुअर यहाँ भी सुअरी का खतरा है, ऊंची लगानी दीवार। अब इस वाले खेत में ये वाले पत्थर भी ऐसे ही पड़ रखे थे, और कुछ टाइम पहले ऊपर से एक दीवार टूटी थी तो वहाँ से पूरे पत्थर यहाँ पे हैं, तो अब ये हमारे दीवार लगाने के काम में आ जाएंगे। आसमान में भयंकर वाली थंडरिंग होने लग गई है, और फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लगता है बारिश फिर से आएगी। और यहाँ नीचे हम साग सब्जी बोते हैं इन खेतों में, तो यहाँ से अक्सर सुअर जाता है, तो यहाँ पर वो सारे पत्थर हम लगा देंगे ताकि अच्छी सी दीवार बन जाए। और ये यहाँ पर है हमारी गौशाला। हम जंगल से जो भी चारा पत्ती लेकर आते हैं उसकी जो मोटी मोटी डंठल रहती है तो उसको सुखाने के लिए डाल देते हैं ताकि बाद में वो लकड़ी के काम में आ जाए। और अभी ना ओले गिरने शुरू हो गए हैं, तो माँ ने तैयारी कर दिया है जो भी वो डंडी है, यहाँ पर हमने बिजवाड़ बना रखी है, मिर्च बैंगन, ये देखो ओले गिरने लग गई तो इनको ढकाना है भाई, खतरनाक ही लग गई। हाँ
अब लगता है अब हम पूरे भीगी जाएंगे। चलो अब कोई बात नहीं है, एक बार हम यहाँ पे भिजवाड़ का काम कर देते हैं। और अभी ऐसी बारिश में माँ भी घास लेकर आ गई है। हमारी भैंस देखो अभी भी बाहर पे ही है। जो ये लंबी लंबी डंडी है इनको हम ऐसे दीवार पे फंसा देंगे। सब जगह हमने थोड़ा बहुत ये डंडे लगा दिए हैं और अब इनमें कुछ और घास रख देंगे ऊपर से। और इसके नीचे देखो ये छोटी छोटी कद्दू के बीज भी अभी अंकुरित होकर आ गए हैं। ये है चैत का महीना और आजकल ना जब ओले गिरते हैं तो इतने भयंकर ओले गिरते हैं, ऐसा लगता है कि चारों तरफ बर्फबारी हो रखी है। भैंस एमा भैंस, अब भैंस को नहीं बांधना है बल अंदर, क्योंकि आजकल ठंड नहीं रहती उतनी, तो भैंस भी आराम से नहा लेगी बारिश में। ये है जी पहाड़ों का धूप बारिश वाला मौसम। इधर से बारिश आ रही है, नीचे की साइड से धूप लग रही है। अभी बारिश भी है धूप भी है, मतलब कि ऊपर से बारिश आ रही है और यहाँ नीचे से धूप। नीचे नदी किनारे मेरी नज़र बार बार जा रही है, देखते हैं वहाँ पर वो पुल कब तक टिका रहता है। आज भी मैंने रेड कलर की जैकेट पहनी है। ले ऐ हे नो नो। प्रणाम। स्कूल नीचे आज आ इतवार। अभी ये छोटे छोटे बच्चे नीचे नदी किनारे ही जा रहे हैं, वो वहीं पर रहते हैं। स्कूल की छुट्टी हुई होगी और अपने पापा के साथ निकल गए। आसान नहीं है नीचे नदी किनारे से ऊपर गांव तक स्कूल जाना डेली, वो भी जाना और आना। वैसे उनका घर ऊपर भी है लेकिन वो आजकल नीचे ही रहते हैं। दिन का लंच बनकर भी तैयार हो गया है। आज लंच में बनाए एक स्पेशल सी चीज़, कोदा मंडुआ और साथ में कड़ी चावल। पुराने लोग इसको खूब खाते थे, ये काफी पौष्टिक भी होता है। और यहाँ पे देखो नमी इसकी होली अभी भी चल रही है। ये पिचकारी, अरे बंद कर दिया पिचकारी मत, अबे मैं हार गया। अब कुछ दिनों के बाद हमारे चौक के आगे जो ये माल्टे के पेड़ हैं इन पे भी पक्षियां अपना घोंसला बना देंगी। वैसे मैंने अमेजोन से दो घोंसले ऑर्डर कर रखे हैं, वो भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। हमारे गांव तक कोई भी जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट इनसे सामान मंगाते हैं वो हमारे गांव तक नहीं पहुंचता है, उनको मैं श्रीनगर गढ़वाल या देहरादून मंगाता हूँ। और एक घोंसला मैं यहाँ पे लटकाऊंगा घर के और एक इधर साइड। हमारे घर पे पहले गौरैया का घोंसला रहता था जब एक बार पठाली वाला घर था उस टाइम पे भी, और उसके बाद जब ये सीमेंट वाला घर बनाया तो उस पर किसी दूसरी पक्षी ने मिट्टी का घोंसला बनाया था, तो जब वो उड़ गए उसके बाद गौरैया ने वहाँ पे घोंसला बनाया था। कैसा है, ठीक है गौरैया का घोंसला? ठीक है। अभी नहीं लगा है, अब श्रीनगर आया अभी। कितने के? 5,000 का दो। बाबा 5,000 का दो। इतने महंगे नहीं है, 400 के दो घोंसले मिल रहे थे, एकदम नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं। तो ट्राई करेंगे, अगर उनपे गौरैया अपने अंडे दे देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको किसी पेड़ पे रख देंगे। क्रिकेट खेलने वाले भी देखो ऊपर चले गए अभी। और अभी माँ की तैयारी भी हो गई है, ऊपर की साइड हमारे कुछ खेत है वहाँ पर जाने की। ये जो घास अभी माँ ने काटा इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं कंडाली। ये देखो इस पे कैसे आले हैं। और अगर ये हल्की सी भी गलती से बॉडी पे टच हो गई ना तो पूरी बॉडी में झंझनाहट होती है काफ़ी देर तक। और वैसे इसका साग भी बनाते हैं तो वो अलग प्रोसेस होता है, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। और खासकर छोटे बच्चों को हमारे पहाड़ों में इससे बहुत डराते हैं। नमीस मेरे पास एक चीज है। अभी हम लोग बैठकर मस्त चाय पी रहे हैं और कुछ दिनों के बाद अब रिंकी भी चले जाएगी अपने ससुराल। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 6 तारीख को मेरी सगाई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम होगा, जब होगी तब आपको पता लग जाएगा। बिल्ली पे अटैक हो गया। डब्बू मत कर परेशान उसको, ये सिर्फ खेल रहा है उसके साथ, आजा। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि 6 तारीख को कुछ स्पेशल आने वाला है। 6 तारीख को स्पेशल है कि जो बाबा केदार की डोली है उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए चलनी स्टार्ट होगी और 10 मई को कपाट खुलेंगे। तो हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे और लोगों ने कुछ और समझ लिया। और यहाँ पर हमारी बिल्ली देखो मस्त ये परिया में सो रखी है। बिल्ली किट्टू डब्बू डब्बू चल दिया, ये देखो। ए छोट मत कर परेशान उसको। ए डब्बू चल, ये और जिद्दी है।
अब जब डबोट जा यार, जा चल भाग तेरी तो। चलो 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 घर के अंदर चलो। शाम के 5 बज गए हैं, अभी नमीस को नेट पे लेकर जाना है। जाना है, जाना है। नमीस को यहाँ पे बिठा दिया है ताकि बॉल से न लगे, और एक बॉल यहाँ गिर रखी है। तबू 1 2 3 ले बॉल, क्या यहाँ लो, यहाँ दे छोटी छोट 1 2 3 पता नहीं बहुत दूर लेके चले गया है, अब उसके पीछे मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। वापस लाएगा तो अच्छी बात है। लबो वो देखो खुद में ही खेल रहे हैं वहां पे। अरे डब्बू लेके कि चले गया उधर। अब मुझे छुप छुप के जाना पड़ेगा, पक्का भागेगा। ए मुन्ना पकड़ दे। बहुत चालू है, उसको पता था वहां पे लोग हैं। मुझे वो बॉल नमीज के पास देनी थी, गलती से उसके पास दे दी। मामा मुझे बोल गए, ये लो इधर ला। ऊपर देखो लोगों की भीड़ बकरियां चल रही हैं, और ये यहाँ पे हमारे गाय बैल हैं। थोड़ी देर में इनको भी घर ले जाने का टाइम हो जाएगा, लेकिन ये नीचे ये डब्बू हमारी बॉल ही नहीं दे रहा है। अब मैंने कैलाश को बोल दिया है नीचे नीचे, मैं भाग लेता उसके पीछे, पर मैं भाग नहीं सकता उतना। ए पकड़ 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 ऐसे भाग गया, अभी भाग गया, भाग गया, फिर से भाग गया। ये है बॉल। ले बड़ा चालू बन रहा था हमारे साथ। मामू पकड़ो बॉल, डब्बू के पास मत देना। अब बॉक्सिंग चैंपियन मैं हूँ, बॉक्सिंग चैंपियन गाइज मैं इसकी। आजा हु हा हु हु विदाउट ग्लव्स हु 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 हा हु हा हु। और जैसे ही शाम होती है हमारे घर के पास में खूब सारे जंगली मुर्गे आ जाते हैं। सामने देखो, ओ तेरी, आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो। एक यहाँ से देखो, ये पत्थर से ऊपर जा रहे हैं। और अभी देखो माँ और बड़ी माँ भी आ गए हैं खेतों से। शाम के 7:30 हो रहे हैं, और आज हमारे यहाँ पे बन रहे हैं दाल के पकौड़े। ये है मूंग की दाल, और इसको अभी सिलबट्टे में पीसा जा रहा है। किस खुशी में बन रहे हैं आज? खाली के। खाली। और साथ में ये है फरण, तो इसको भी पकौड़ी में डालेंगे हम। ये सब रिंकी की खातिरदारी में बन रहा है ना। और साथ में देखो यहाँ पर हमारे गोल गप्पे भी बन रहे हैं, पानी पूरी। पटास हो गया, पटास बसम हो गया, बसम हो गया। माँ बोल रही है बसम हो गया, वाले देखो काले हो गए पूरे। बसम। ये देखो जी सच में बसम हो गए ये वाले, तो एकदम काले काले हो गया, बसम हो गया। लेकिन चलेगा, बन गए। यस यस यस। अब रिंकी का काम है पानी बनाना इसके लिए। एक टोकरी देखो पानी पूरी तो अभी बन गई है, अब इसके बाद बन रही है पकौड़ी। पता नहीं आज क्या ही छंद बन गया ऐसा, पानी पूरी भी बन रही है, पकौड़ी भी बन रही है, रोटी भी बनेगी, सब कुछ दाल भी बनेगी सब।